पुणे की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में 15 महिलाएं हैं। यह आग पुणे से 40 किलोमीटर दूर उर्डे गांव स्थित SVS एक्वा टेक्नोलॉजीज कंपनी में लगी, जो सैनिटाइजर का उत्पादन करने के साथ एयर वाटर और सरफेस ट्रीटमेंट केमिकल का उत्पादन और सप्लाई करती है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक आज शाम यह आग मशीन में ब्लास्ट होने के कारण लगी। घटनास्थल पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है। राहत और बचाव दल के लोग फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और शवों का पता लगाने से साथ उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। आपको तो बता दें कि इस फैक्ट्री में अधिकतर महिलाएं काम करती थी। पुणे के सुपरिंटेंडेंट अभिनव देशमुख ने बताया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। बचाव दल को फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ की दीवार को तोड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के बाद अलग अलग तरह की गैस फैल गई है, जिसके चलते आग बुझाने में दिक्कतें आई, लेकिन अब बुझा दिया गया है। मृतकों में अधिकतर मुलसी तालुका के रहने वाले स्थानीय लोग हैं। टाकी पडायला सांगा, पाणी तरी पडेल खाली। दर्शकों, अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद।